तो हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पबजी पीसी कैसे खरीद सकते हो स्टीम के थ्रू। पबजी पीसी काफी तरीके से, एक मीन्स दो ही तरीके से आप खरीद सकते हो। पहले तो है आप स्टीम से खरीद सकते हो, दूसरा आप पबजी की ऑफिशियल वेबसाइट है आप उससे खरीद सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टीम के बारे में बताऊंगा कि स्टीम एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अगर आपको अपना क्रोम खोलना है, गूगल ब्राउजर जो भी है, आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो, तो आपको भी पबजी पीसी टाइप करना है। ठीक है, या तो यू कैन सी कि पहला सर्च आ चुका है pubg.com, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन, ये पबजी का पीसी का, ये पबजी पीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है। पबजी मोबाइल नहीं, पबजी पीसी, ये पबजी पीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इसे बाय नाउ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन निकलता है, एक स्टीम का ऑप्शन निकलता है, एक एक्सबॉक्स एक्स वन है, PS4 है और बाय फ्रॉम वेबसाइट है। तो ये चार ऑप्शन है। पबजी PS4 और एक्सबॉक्स वन प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, इसलिए उसका ऑप्शन दिया गया है। बाय फ्रॉम वेबसाइट का ऑप्शन जैसे क्लिक करते हो तो आप पबजी की वेबसाइट से खरीद सकते हो। और पबजी का विंटर सेल चल रहा है, इस वजह से ही मैं पबजी खरीद रहा हूँ। तो यह सस्ता पड़ रहा है जो मुझे, इसलिए मैंने एट लास्ट में डिसाइड किया कि चलो पबजी खरीद लेते हैं, पीसी खरीद लेते हैं, क्योंकि मैंने पबजी मोबाइल खेल के काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। इसलिए यहाँ पे 665 का मिल रहा है और पबजी स्टीम पे, और स्टीम पे 669 का मिल रहा है। तो आप पबजी, मैं आपको, सब लोग आपको ये बोलेंगे कि स्टीम से खरीदे पबजी, ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं खरीदे, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट क्या करेगा कि आपको कोड दे देगा, बाय करोगे और कोड को दे देगा, आप वो कोड बोलेगा कि वो कोड आपको स्टीम में डालना है। तो एट लास्ट आपको स्टीम पे आना ही है, तब पहले से कुछ स्टीम पे, पहले से आप स्टीम पे आ जाइए। ठीक है, तो आप स्टीम डाउन, आपको स्टीम डाउनलोड करके कोड डालना ही, एक्टिवेशन कोड डालना पड़ेगा स्टीम पे, तब जाके आपका पबजी एक्टिवेट होगा। और आपको पबजी जो गेम है वो भी डाउनलोड पबजी के स्टीम से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ये नहीं करेंगे, हम स्टीम से करेंगे। तो आप अपना न्यू टैब खोल दीजिए, स्टीम सर्च मारिए, तो वेलकम टू स्टीम का ये आएगा पहला अपना साइट, वो खोलिए। मेरा लॉगिन है, अगर मैं लॉग आउट कर देता ऐसा होगा तो। ठीक है, स्टीम किया तो आपको ये मिल जाता है स्टीम जैसे जाओगे तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा ज्वाइन स्ट्रीम करके, जिससे आप खाली अपने करंट ईमेल एड्रेस डाल के और अपना ईमेल एड्रेस वापस डाल के, इंडिया डाल के, और अपना कॉन्फिगरेशन डाल के, और खाली अपना बस 13 ईयर्स ओल्ड, आप 13 ईयर के ज़्यादा कॉमेंस रेस्ट्रिक्शन होता है, तो हाँ आप खाली पबजी का स्ट्रीम अपना आईडी बना सकते हो। इजी, एकदम इजी, मुझे जरूरत नहीं है बताने की। तो मेरी आईडी पहले से है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, तो ये पबजी, अब जैसे सर्च मारेंगे पबजी तो या पहले आपको सर्च मिलेगा पबजी। ठीक है, तो या ये पबजी ऑफिशियल पीसी गेम है। ठीक है, तो 669 काफी अजीब नंबर है, आई नो। ठीक है, तो मेरे कार्ड में पहले से ही इन कार्ड है, नहीं तो ऐड टू कार्ड का ऑप्शन था नॉर्मली, तो आप इन कार्ड, मेरे पहले से गेम कार्ड में ही, मैंने कभी तक खरीदा नहीं है, अभी भी खरीदूंगा मैं आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर कार्ड का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे मैं पहले से ही दिया हुआ है, तो आपका दो ऑप्शन निकल जाता है, एज अ परचेज फॉर माई सेल्फ और परचेज अ गिफ्ट। आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो ये गेम, और किसी को परचेज भी, अपने लिए खुद के लिए परचेज कर सकते हो, करने पड़ेगा। तो परचेज फॉर माई सेल्फ करता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात, और हम वेबसाइट से परचेस करके, अगर आपको पीसी गेम डाउनलोड करना है तो आपको स्टीम जो है, स्टीम पे जाओगे, स्टीम के वेबसाइट पे, तो आपको स्टीम इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्टीम का जो एक ऐप रहता है, जैसे कि आप, मैं यहाँ पे खोलता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं स्टीम का डेस्कटॉप ऐप रहता है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो आप गेम डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आप गेम डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको स्टीम बाय तो कर सकते हो वेबसाइट से, पर आपको डाउनलोड करने के लिए आपको स्टीम का डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करना ही पड़ेगा, जिस हिसाब से आपका लाइब्रेरी में आ जाएगा ये गेम, और फिर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फिर
आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड आता है, आपको पेमेंट जो भी है तभी बहुत सारे है, वीजा है, मास्टर कार्ड के लिए कैश ऑन डिलीवरी है, या मेन इंपॉर्टेंट है कि आजकल सिस्टम कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देता है, क्रेडिट कार्ड है डोमेस्टिक, डेबिट कार्ड डोमेस्टिक। अभी डोमेस्टिक की बात पे देता है कि आप कौन से कंट्री सेलेक्ट करते हो, जैसे आप इंडियन हो, इंडियन हो कि इंडिया में रहते हो, तो फिर आप डोमेस्टिक उस हिसाब से आपको ऑप्शन देता है। अगर आप इंडियन हो और किसी और कंट्री में रहते हो, फिर आपके उस हिसाब से आपको कंट्री का लोकेशन डालना पड़ेगा अपने अकाउंट डिटेल्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रीपेड वॉलेट सेलेक्ट करता हूँ, मैं पेटीएम से करने वाला हूँ, ठीक है। पर पेटीएम में मेरे जीरो बैलेंस है, पेटीएम में वॉलेट में जीरो बैलेंस है, तो मैं पेटीएम के थ्रू अपने पेटीएम में मेरा सेव्ड कार्ड है तो उससे मैं अपना ये डालने वाला हूँ, कार्ड से पेमेंट करने वाला, क्योंकि मैं इस पे स्टीम के थ्रू मैं नहीं करने वाला, क्योंकि स्टीम मेरा कार्ड डिटेक्ट करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं, मेरा पेटीएम में मेरा कार्ड सेव है इसलिए मैं उसके लिए जाना चाहूँगा, ठीक है। मेरा जो भी यहाँ पे एड्रेस दिया, जो सिटी है, ये कोड है, फोन नंबर जो भी दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो आपको ये दिया जाता है कंटिन्यू टू नो अप्ले, तो ये आपको यहाँ पे एग्री करना पड़ता है, ऊपर जैसे कि अभी आया यहाँ पे आपको एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू अप्ले, नो अप्ले इनका कुछ एक बोलते एक अलग वेबसाइट है जो इन लोग के साथ इन लोग ने टाई अप किए, तो सब जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती है सब इसके लिए वर्क करती है। स्टीम ऐसी बहुत बड़ी कंपनी है जो हर एक कंट्री में जाकर नहीं काम कर सकती, तो नो अप्ले जो ये इन लोग के लिए काम एज ए थर्ड पार्टी ऐप काम करती है, जिससे इनको आपको हर एक कंट्री की जैसे कि पेमेंट गेटवे उसमें हेल्प करती है, ठीक है। तो कंटिन्यू नो अप्ले करेंगे हम, तो फिर इस पे जाएंगे तो आपका ये एक्सटर्नल ये खुल जाता है, तो आपको ये बिलिंग इन्फो डालना है, ठीक है। जो भी आपने इन्फो जो डाला और यहाँ पे शिपिंग इन्फो है तो सिलेक्ट है सेम इनपे बिलिंग इन्फो सेम एड्रेस से रहेगा, ठीक है। तो मुझे अपना एड्रेस सब कुछ डालना है, ठीक है। तो मेरा ऑटोमेटिकली सब कुछ आ गया, आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट वाले का ऑप्शन आया, तो यहाँ पे फ्री चार्ज है, आई कैश कार्ड है, आईसीआईसी पॉकेट से इट्स कैश कार्ड है, जियो मनी है, जियो मनी काफ़ी ज़्यादा है यूज़ करते हैं लोग, मोबीक्विक है, ऑक्सीजन है, फिर पेटीएम है, एक्सपे है, येस बैंक है, तो हम लोग पेटीएम यूज़ करेंगे, ठीक है। ना मुझे लॉग इन करना पड़ेगा पेटीएम में, तो मैंने अपना क्रोम का ये बंद कर दिया, ठीक है। तो हम लोग ये स्टीम का जो डेस्कटॉप ऐप है इससे हम लोग परचेज करेंगे, ठीक है। तो यही सेम आपको सेम प्रोसेसर मिलेगा, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, आपको बस यही सेम ब्राउजर दिखने मिल जाता है डेस्कटॉप ऐप के, सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा वापस, ठीक है। तो वापस हम लोग की बता देता हूँ, हम लोग बता दिए आपको कैसे सब कुछ होता है। तो पेटीएम पे जाएंगे, ठीक है, सबमिट करेंगे, पेटीएम यहाँ पे सिलेक्टेड है, सबमिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पेटीएम लॉगिन करने को बोल रहा है, सिलेक्ट ऑप्शन टू पे C69, तो यहाँ पे लॉगिन टू पे कर रहा है। अभी यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर पूछेगा, जिस हिसाब से मेरा OTP आएगा और ये आएगा, ठीक है। तो मेरा फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ, हम लोग लॉगिन करेंगे सिक्योरली, ठीक है। तो अब मेरा पेटीएम का खुल चुका है ये, ठीक है, मेरा अकाउंट खुल चुका है। अभी यहाँ पे मेरा कार्ड डिटेल्स है वे, तो मेरे मनी इन पेटीएम वॉलेट जीरो बैलेंस है मेरे पास, ठीक है, आप देख सकते हो। तो एडिशनल पेमेंट जो है मुझे पूरा 669 ही पे करना है। तो यहाँ पे मेरा भी नहीं है कि मेरा कार्ड यहाँ पे सेव है, ठीक है, मास्टर कार्ड, तो मुझे खाली बस CV डाल के बस आगे बढ़ना है, मेरा ऐड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। और पेटीएम एक इंडियन कंपनी और बैक इंडिया में रहता हूँ, तो मैं ज़्यादा सिक्योर रहता, जैसे कि 100% सिक्योर पेमेंट पेटीएम हमें एश्योर करता है, यहाँ पे जैसे सब लिखा हुआ है। तो पेटीएम काफ़ी अच्छा है, तो मैं अपना CV डाल के कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ओके, तो पेमेंट वॉलेट यूज़ करने के लिए जो ये चीज़ मांग रहे, पैन कार्ड ये सब मांग रहे, पर मैंने पैन कार्ड मैंने सेव किया था मैंने इस पर, तो भी पता नहीं वापस मांग रहे, तो मैं पैन कार्ड का नंबर डाल के तो आपको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो रहा है, ठीक है। तो अभी OTP मेरे को आ चुका है, ठीक है, मैं डाल देता हूँ फटाफट। अभी आगे बढ़ेगा, आई होप सो बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे पेमेंट हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे जैसे थैंक यू फॉर द परचेज
देख सकते हो ईमेल कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन सेंट टू ईमेल कॉन्फ़िगरेशन सेंट टू यू डिजिटल आइटम्स आर नॉट रजिस्टर्ड। तो वहाँ पे मैं ईमेल पे जाता हूँ, ठीक है, अपने मैं एक प्रिंट कर लेता हूँ कॉपी भी, ऐसा सेकंड ऑप्शन ये प्रिंट करना ज़रूरी है, आप प्लीज़ प्रिंट कीजिए, ठीक है। तो या प्रिंट ना करें तो या फिर प्रिंट टू पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ठीक है, तो प्रिंट कीजिए और यहाँ पे सेव कर दीजिए, ठीक है। तो लाइक पबजी पबजी पीसी एंड लाइक सेव, ओके। तो लाइक मैंने सेव कर दिया है, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा तो ऐसा सेव होता है तो आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट में जाके इस तरह से आपका ये प्रिंट पीडीएफ सेव हो जाता है। लाइक थैंक यू फॉर सीइंग वाचिंग दिस, काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ पे आपका लाइब्रेरी में ऐड हो जाता है ये गेम, ठीक है। तो आप ऐसे आप यहाँ पे इंस्टॉल करके आप कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे तीन तीन गेम ऐड हो जाते हैं, पबजी का मेन गेम ऐड हो जाता है, एक्सपेरिमेंट सर्वर ऐड हो जाता है और टेस्ट सर्वर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये पबजी का मेन गेम है, तो मैं इसको इंस्टॉल पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोडिंग पाथ है, ठीक है। तो आपको अग्री करना पड़ेगा सब जो भी है, और आप यहाँ पे जाएंगे तो यस मेरा अभी गेम डाउनलोड हो रहा है, अभी फिलहाल यहाँ पे मेरा ऑथेंटिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे फिनिश ऑथेंटिकेशन होने के बाद आपका फिनिश करना है, तब जाके वो गेम डाउनलोड होने चालू होगा। तो मेरा पिक स्पीड 6 MB पकड़ता है, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है यहाँ पे। तो चलो मिलते हैं आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान, आप जरूर आप ऐसे ज्वाइन करिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा लग गया इसका गेम की टेस्टिंग में लाइव स्ट्रीम के थ्रू करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू सो मच, लाइक करना।